सुखस्य मूलं धर्मः धर्मस्य मूलं अर्थः अर्थस्य मूलं राजः राजस्य मूलं इन्द्रियजयः इन्द्रियजयस्य मूलं विनयः विनयस्य मूलं वृद्धोसेवा। क्या बात कही है, अर्थात सारे के सारे खुशियों की जड़ है धर्म। आप धर्म अच्छे से निभाइए, लेकिन धर्म कैसे निभाएंगे, उसकी जड़ है अर्थ। इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स को जानिए, राजा का हित प्रजा के हित में है, तभी आप अच्छे से अपने धर्म को निभा पाएंगे। जब आप इकोनॉमी पॉलिटिक्स को समझेंगे, तभी आप अच्छे से अपने साम्राज्य को एक्सपैंड कर पाएंगे और एक खुशहाल साम्राज्य की उत्पत्ति हो पाएगी। ये सबको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, इन्हीं के लिए अर्थशास्त्र लिखी गई थी। अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अर्थ की जो जड़ है वो है राइट गवर्नेंस। राइट गवर्नेंस की जो जड़ है वो है विक्टोरियस इनर रिस्ट्रेंट। कितनी ज्यादा आप में क्षमता है इसको बढ़ाइए, और आपके विक्टोरियस इनर रिस्ट्रेंट की जो जड़ है वो है ह्यूमिलिटी। आप कितने हम्बल हैं, कितने काइंड है, तो अल्टीमेटली सारी चीजें, सारी की सारी आपकी सक्सेस कहां पे खत्म होती है, ह्यूमिलिटी पे। और ह्यूमिलिटी कहां पे खत्म होती है, उसकी जड़ है वृद्धों की सेवा कीजिए, बूढ़ों की सेवा कीजिए। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस श्लोक ने, इस टीचिंग ने पूरे के पूरे भारत को डिफाइन कर दिया है, भारत की परंपरा को एक धागे में बांध दिया। आप देख सकते हैं कनेक्शन। एक इंसान को ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, तभी वो सफल होता है। सफल जीवन यही है, वरना कभी भी इनर पीस उसको नहीं मिलेगा। तो ये महान कहना है, ये महान टीचिंग है, ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट स्टेट्समैन, ग्रेट टीचर, विद्वान, नॉलेज के धनी, विजडम जिनमें कूट कूट के है। हम बात करेंगे आज चाणक्य की, जिन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट मॉडल की, जो आज पूरी दुनिया में फॉलो होता है, 2300 साल पहले जब कुछ भी नहीं था, कोई सरकार नहीं बनी थी, आज के प्रेजेंट गवर्नमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की उन्होंने स्थापना कर दी और यह बता दिया कि कैसे कोई भी सरकार चलानी चाहिए। अपने अर्थशास्त्र में बताया, अपने चाणक्य नीति में बताया कि और सारे के सारे ऑफिशियल्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ये चाणक्य ने बोला था। ये तो बहुत ज्यादा बदकिस्मती है हमारी और अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। चाणक्य की बात तो बहुत होती है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए बहुत अच्छे हैं, मीडिया प्रोपेगेंडा के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी टीचिंग्स कोई फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि वेस्टर्न ने हमको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वेस्टर्नाइजेशन पूरी तरह हमारे ऊपर चढ़ गया है, हम उनका मॉडल फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं कब रिफॉर्म आएगा, हम अपना फेसबुक नहीं बना रहे, गूगल नहीं बना रहे, पूरा का पूरा उनके अधीन हो गए हैं, और इसी की वजह से एक जबरदस्त मॉडल हम वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको करनी पड़ेगी। और वेस्टर्न जानते थे, वो ये बोलते थे, ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि भैया पहले हमने कानून व्यवस्था दी, इससे पहले मुगल ने दी थी पूरी की पूरी सरकार बनाने की व्यवस्था, उससे पहले भारत की कोई व्यवस्था नहीं। अरे भैया हिस्ट्री में झांक के देख लो, सब कुछ भारत से निकला है। भारत मतलब पूरा पाकिस्तान एरिया, नेपाल, ये पूरा का पूरा जो एंशियंट इंडिया, जो इतना बड़ा रीजन था, उसकी बात कर रहा हूं, ये सब यहां से निकला हुआ है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज यहां पे थी, एंशियंट कमाल की यूनिवर्सिटीज यहां पे थी, कोई पछाड़ा नहीं पाता था। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतिहास में अगर हम देखें, सारे देशों में बहुत भयंकर युद्ध हुए हैं, लेकिन भारत हमेशा उससे बचा रहा है। क्यों? ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे नीतियों की वजह से। तो आज हम बात करेंगे, और बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे इनका लेक्चर लाते समय। वैसे तो पूरी की पूरी सीरीज शुरू हो गई है, मैं एक के बाद एक के बाद एक राजाओं का रिव्यू करूंगा, इसमें बहुत ही महान महान राजा आएंगे, और एक तो यही राजा है, क्योंकि चाणक्य को बोला जाता था ये साम्राज्य बनाते हैं, तो साम्राज्य उन्होंने बहुत बड़ा बनाया, मौर्यन साम्राज्य, उसके बहुत महान राजा सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी भी बात करेंगे। तो हम आज चाणक्य के बारे में जानेंगे, दो पार्ट में लेक्चर आएगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंतजार खत्म हुआ, बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर चाणक्य के बारे में कब आएगा, इंडियन किंग्स के बारे में कब आएगा, तो लीजिए पूरी की पूरी सीरीज हाजिर है। कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज को लेके, मेरे फेसबुक पेज से @education कनेक्ट पे आप पूछिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। आज आखिरी दिन है भैया, सारे के सारे डिस्काउंट अवेल कर लो और एग्जाम की बढ़िया तरीके से तैयारी करो। इन नंबर्स पे कॉल करो या फिर StudyIQ की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स है, RBI ग्रेड बी का तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छी वॉन्ट्स हैं, तो उनकी उसके भी पेनड्राइव कोर्सेस अवेलेबल है, UPSC नाबार्ड और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम सबके, तो जरूर तैयारी करिए। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए एक्चुअली क्या है, एक चीज बताना चाहता हूं, चाणक्य के बारे में रिकॉर्ड्स काफी कम हैं। जो भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं या तो हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलते हैं, देखिए
दो मेन वर्जन है चाणक्य के बारे में। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था। दो मेन वर्जन हैं, दो नजरिए हैं, एक है बुद्धिस्ट, एक है जैन। ठीक है, हम दोनों देखेंगे, लेकिन जो निचोड़ है, जो समरी है, वो एक ही चीज बयां करती है कि स्टोरी के बारे में, तो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद भैया एक राजा बनाने की कहानी क्या था कि एक ऐसे इंसान को इन्होंने राजा बना दिया जो उस समय काफी लो कम्युनिटी का था। आई एम रियली सॉरी टू से वर्ड, लेकिन यही लिखा हुआ है, लो कम्युनिटी का था, और वहां से उसको उठा के एक ऐसे तख्त पे पहुंचा दिया और ऐसी भयानक तरीके से उस साम्राज्य का उसने एक्सपेंशन किया विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य की, कमाली हो गया। कौटिल्य ने मौर्यन साम्राज्य को की जो स्थापना है वो वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, लेकिन डेफिनेटली उसके पीछे जो पूरा का पूरा दिमाग था, 10 सर वाला दिमाग, वो कौटिल्य का था, उर्फ चाणक्य का था। चाणक्य ने पूरी नींव रख दी। और एक चीज और बता दूं, चाणक्य ये सिर्फ ये चाहते थे कि ये जो पूरा साम्राज्य भारत की ही तरफ हो, भारत की ही, मतलब भारत ही तक ही हो। अगर ये चाहते तो आराम से सब कुछ जाके जीत लेते, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि ये पीस चाहते थे। इनको पता था कि जब भी इन्वेजन होता है कितनी बुरी तरह लोग मारे जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे चाणक्य। हम आज सारी चीजें देखेंगे, दो पार्ट में लेक्चर आएगा, ठीक है, देखेगा जरूर। और एक चीज, उसका पीडीएफ जो है वो पार्ट टू खत्म होने के बाद मेरे फेसबुक पेज या फिर स्टडी आईक्यू की वेबसाइट, दोनों जगह मिल जाएगा। उसके बाद ग्रेट मौर्यन एम्पायर देखेंगे, तो देखना ही है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, बिंदुसार का तो इतना नाम नहीं है, फिर अशोक, सम्राट अशोक, भैया 99 भाइयों को मरवा दिया था ऐसा बोला जाता है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। और इनकी सबसे बेहतरीन लिटरेरी वर्क्स अर्थशास्त्र, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बुक है और गजब का खाका है किस तरह से सरकार चलानी चाहिए। देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी बात क्यों नहीं मानता है। आप किसी ब्रिटिशर से पूछेंगे या कोई फॉरनर से पूछेंगे तो वो बोलेगा अरे कुछ नहीं, चाणक्य चाणक्य क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत हर चीज ऑलरेडी दे चुका है। ये सब हमारे वेदों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में है, लेकिन किसी को रिसर्च करने की पड़ी नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, और हमारा डोमिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक सुपर पावर नहीं है। और हम क्यों सुपर पावर नहीं है, क्योंकि हम कभी भी साइंस एंड टेक में इन्वेस्ट नहीं करते। चाणक्य ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ही अभिन्न अंग बताया है, हम कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। चाइना के डेंग ज़ियाओपिंग ने यह समझ लिया था, चाइना को काफी बड़ा उन्होंने बना दिया, उन्हीं की वजह से चाइना आज आंखें दिखा रहा है। अमेरिका को भी ये समझ में आ गया था। चलिए, मेरा पहला सवाल यही है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं फेसबुक पेज पे और मैं आंसर भी देखिए थक गया हूं, लेकिन अब आप मुझे आंसर करेंगे कि क्यों अमेरिका दुनिया का पापा बने बैठा हुआ है और सब पे सैंक्शन लगाता रहता है। चलिए मैं एक हिंट देता हूं, डॉलर, डॉलर की वजह से। अब ऐसा क्यों है ये आपको मुझे बताना है, पहला सवाल है आपका। ठीक है, तो ये चीज है, हमको इन सब चीजों को हटाना चाहिए और इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद का फेसबुक, खुद का गूगल बनाना चाहिए। ठीक है, चाणक्य ने बिल्कुल यही किया, खुद का फेसबुक, खुद का गूगल नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने ये चीजें समझी और जबरदस्त एक्सपेंशन किया मौर्यन साम्राज्य का। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मौर्यन साम्राज्य कितना बड़ा, सबसे बड़ा साम्राज्य आज तक रहा है जिसने पूरे भारत को एक किया। देखिए, एक्चुअली क्या था कि एक चीज बताना चाहूंगा, उस समय भारत जो था ना वो 16 महाजनपद में डिवाइडेड था। और जब जूलियस सीजर का मैंने इसलिए पहले रिव्यू किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम लोग ट्राइबल लोग हैं भैया, ट्राइबल से निकले हुए हैं। इंसान का जन्म होता है, एवोल्यूशन होता है, ग्रुप्स में रहना शुरू करता है, ट्राइब्स में रहना शुरू करता है। भारत भी ऐसा ही था, वहां से राजा महाराजा है। ठीक है, भारत में क्या था, जनपद, जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, जहां लोगों ने पैर रख दिया वो जनपद, और उसके बाद फिर महाजनपद स्टेट्स का जन्म हुआ। 16 स्टेट्स थी भारत में, ठीक है, सबकी एक कैपिटल थी, आपस में भिड़े रहते थे, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। इसी का फायदा अलेक्जेंडर ने उठाया, लेकिन फिर बाद में वो वापस लौट गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर का रिव्यू क्या हुआ देखिएगा, इसी का फायदा उठाया। तो ये चीज थी, तो चाणक्य ये बोलते थे कि सबसे पहले जो चीज करनी है, पूरे भारत को जीत लो, सारे भारत को जीत लो, एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जो पूरे के पूरे भारत को रूल करे, सबको यूनाइट करो। यूनाइट कोई होता नहीं क्योंकि भैया सबका ईगो है। ठीक है, तो सबको जीत के यूनाइट कर लो, एक सेंट्रल सिस्टम बनाओ और वहां से रूल करना शुरू करो। ठीक है, लेकिन फिर अशोक की डेथ के बाद अनफॉर्चुनेटली दोबारा फिर टूटता गया। खैर, वो एक अलग कहानी है, वो मैं बाद में जब और राजाओं का रिव्यू करूंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 16 जनपद आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा कि, वैसे तो ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि इनको याद रखें आप। इसमें सबसे स्ट्रांग था मगध,
और जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, पूरा बिहार यूपी उड़ीसा और यूपी बिहार उड़ीसा को अगर आप कंबाइन करते तो बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मगध, और मगध में ही नंद एम्पायर था, ठीक है। तो ये चीज थी, देखिए सबसे क्या हुआ था कि सबसे पहले भैया हरियंका डायनेस्टी आई थी, नाम बड़ा खतरनाक है, हरियंका डायनेस्टी, फाउंडर कौन थे, बिंबिसार। उसके बाद फिर आई, अब उसके बाद फिर इसके बाद आजाद शत्रु आया, फिर वो एक अलग कहानी है, फिर उसके बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी, और फिर आई नंद डायनेस्टी। महापद्म नंद भैया इनके जो थे वो सक्सेसर थे, रूलर थे, फाउंडर थे बेसिकली। अब ऐसा बोला जाता था कि ये लोग रॉबर्स थे, ठीक है, ये काफी खतरनाक लोग थे, और इनका जो रूल था ना नंद डायनेस्टी का, वो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था। तो जब चाणक्य ने ये सारी चीजें देखी, उनका मूड खराब हो गया, उन्होंने बोला कि भाई ये सब क्या बकवास है, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चाणक्य ने, ये भी एक रीजन था कि मौर्य साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, आप सीधे के सीधे चाणक्य पे हम आते हैं। देखिए चाणक्य के अर्ली लाइफ के अगर बारे में हम जाने तो काफी कम हमारे पास इन्फो है, और हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन जितनी भी इन्फो है वो देखिए वो कहां कहां से मिले, ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक तो मिली है बुद्धिज्म के महावंशा से, जैसा कि मैंने बताया ना कि दो व्यूज हैं, फिर जैनिज्म के परिशिष्ट परिवार जो कि हेमचंद्र ने लिखी हुई है वहां पे चाणक्य का नाम आता है, इन सब जगह पे चाणक्य का नाम आता है। फिर मुद्र राक्षसा किसने लिखी थी, विशाखदत्त, किसके कोर्ट में थे विशाखदत्त, कौन से किंग के, चलिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का दूसरा सवाल सर्च करिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिएगा भाई, ठीक है, थोड़ा अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करिएगा, अच्छा लगता है काफी, ठीक है, समझिए चीजों को। मेरा ये मकसद नहीं कि उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, आप समझेंगे तब सही होगा, ठीक है। तो ये चीज थी, तो ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो ये सारे के सारे वर्जन है, कश्मीरी वर्जन भी अलग अलग वर्जन है, लेकिन जो निचोड़ है वो एक ही है, और पूरा कंक्लूड करने का तरीका भी एक है। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना जिसपे अभी भी रिसर्च होती रहती है, सब पे ही होती है, हिस्ट्री पे भी हो रही है, कब क्या सामने आ जाए नहीं पता, लेकिन जब तक कुछ सामने नहीं आता तब तक हमको टेक्स्ट पे ही रहना पड़ेगा। ऐसा बहुत जगह बोला जाता है, कुछ किताबों में भी मिलेगा कि पोरस जीत गए थे अलेक्जेंडर से, ये बात हो भी सकती है, बिल्कुल सच हो सकती है, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिसिटी नहीं आती तब तक हमको अनफॉर्चुनेटली टेक्स्ट के साथ जाना चाहिए था। वैसे भारत, एक बात तो बता दूं, भारत के राजा जितने ज्यादा एफिशिएंट थे ना उतने दुनिया के राजा नहीं, कोई नहीं था। लेकिन वही है ना कि हम इसीलिए तो बता रहे कि जब पूरे के पूरे दुनिया पे आक्रमण हुए भारत हमेशा बचा रहा, ठीक है। बहुत ही कमाल की एंशियंट हिस्ट्री है भारत की, ठीक है, बहुत ही महान राजा थे, पोरस हो गए, अशोक हो गए, काफी लोग, ठीक है। तो चाणक्य जो थे वो भैया पैदा हुए थे चनेन और चनेश्वरी, इसीलिए इनका नाम चाणक्य बना गया, और ऐसा बोला गया कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके दांत थे, तब भैया बोला कि ये तो राजा बनेगा, अगर ये राजा नहीं बना तो ये राजा बनाएगा। इनके पिताजी बोलते थे भैया ऐसा ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चाणक्य का जो जन्म ऐसा बोला जाता है लगभग 350 BC के अराउंड हुआ था, साढ़े 2300 साल पहले ये जन्मे थे, ठीक है, तब हुआ था। देखने में बहुत ही अच्छे नहीं थे, ठीक है, और काफी दिक्कतें थी, अगली लगते थे, जिसकी वजह से एक वर्जन ये भी कहता है कि इसी के वजह से जो धनानंद थे लास्ट रूलर नंद डायनेस्टी के, उन्होंने इनको बाहर फेंक दिया था, ठीक है। थॉमस ट्रॉटमैन ने काफी ज्यादा स्टडी की है, भैया ये मिशिगन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी है, काफी जबरदस्त तरीके से उन्होंने अर्थशास्त्र की स्टडी की है, और बहुत क्रिटिक भी है ये अर्थशास्त्र के, तो खैर वो तो वेस्टर्नर्स है ही है, कुछ भी भारत, अगर भारत बोल भी दो तो भी वो एकदम खून खोल जाता है उनका, है ना। एक्चुअली उन्होंने यही चीज की, उन्होंने हमारे देश में आके जितने भी ब्रिटिशर आए थे हमको गालियां दी और हमको नीचा दिखाना शुरू कर दिया। जिस सबसे बढ़िया चीज यही होती है कि किसी देश को तोड़ना ना, उसको नीचा दिखाना शुरू कर दो, अपने आप ही लोग टूट जाते हैं, और हम लोग ऐसे ही किया। फिर बाद में हालांकि हम लोग उभरे वहां से, और अब तो खैर ऐसा है कि डेवलपमेंट तो भारत में हो ही रहा है, लेकिन उस तरह से तो नहीं हो रहा है भैया, कौटिल्य की नीति को फॉलो करने का वक्त आ गया है ना। तो थॉमस ट्रॉटमैन ने बोला है कि जो जैन वर्जन है वो ज्यादा ऑथेंटिक है बजाय बुद्धिस्ट वर्जन के, ज्यादा सही है, ठीक है। खैर वो अलग अलग मानना है। तो पहले हम जैन वर्जन देखते थे कि जैन वर्जन में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि एक्चुअली क्या था कि चाणक्य जो थे वो ब्राह्मण थे। एक और चीज बता दूं, लेटर वैदिक सिस्टम में पूरा कबाड़ा कर दिया था, जो चार डिविजन हो गए थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसने पूरा का पूरा कबाड़ा कर दिया था। लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो है ब्राह्मण की वो ये है, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है वो कोई भी हो सकता है, इसमें कास्ट का नाम ही नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, कुछ भी आप खूब पढ़ लिए, खूब ज्ञान हासिल कीजिए तो आप भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मांड, जिसको सबका ज्ञान,
ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। अब वो तो खैर लेटर वैदिक पीरियड में पूरा कबाड़ा हो गया। तो चाणक्य जो थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इस समय रावलपिंडी के अराउंड वो एरिया आता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे पाकिस्तान में, इस समय बता रहा हूं, ठीक है। और वेदों का गजब ज्ञान था उनको, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो ऐसा बोला जाता है कि दो चीजें थी, एक तो इन्वेजन हो रहे थे, अलेक्जेंडर ने ऑलरेडी उस समय इन्वेड कर दिया था, प्रॉब्लम बहुत थी वो, क्योंकि सिंस कोई यूनिटी नहीं थी तो उनको यूनिटी चाहिए थी चाणक्य को, और उनको डर भी था कि अगर कुछ ऐसा होता है और ग्रीक्स का कब्जा हो जाएगा भारत में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो हेल्प मांगने गए थे, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि उस समय काफी सेरेमनीज होती थी। अब नंद डायनेस्टी का बहुत ही ऑपरेसिव रूल था, लोग पक गए थे, बहुत ज्यादा टैक्सेस देते थे, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, ये सारी चीजें चाणक्य ने देखी, थोड़े से खुन्नस तो वैसे ही खाए हुए थे। तो क्या हुआ था कि वो राजा की थ्रोन पे बैठ गए, बहुत लोगों ने बोला हट जाइए हट जाइए, उन्होंने बोला मैं नहीं हटूंगा, जिसकी वजह से जो सर्वेंट्स थे वहां के, दासियों ने उनको उठा के फेंक दिया उस गद्दी से। मूड खराब हो गया चाणक्य का, बोला कि मैं तुम्हारे किंगडम को, तुम्हारे साम्राज्य को ऐसे ही निस्तरण नाबूद कर दूंगा जिस तरह से हवाएं तूफान एक पेड़ को, एक वृक्ष की जड़ों को हिला देता है, उसी तरह। बुद्धिस्ट वर्जन क्या है कि ये एम सेरेमनी थी, ठीक है, नंद डायनेस्टी, धनानंद लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के, उन्होंने बहुत बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी ब्राह्मण्स के लिए, वहां पे उस सेरेमनी को वो अटेंड करने गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत देखने में वो खराब थे, दिखने में अच्छे नहीं थे, और चाणक्य को इस वजह से उन्होंने बिल्कुल ही बोला कि निकल जाओ तुम यहां से, मूड खराब हो गया चाणक्य का, और उन्होंने बोला, उन्होंने श्राप दे दिया धनानंद को कि जब तक तुम्हारा साम्राज्य बर्बाद ना कर दूं तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, ठीक है। तो ये दोनों वर्जन है, लेकिन एक चीज तो पक्की है, ये चीज तो हुई थी कि वो नंद डायनेस्टी गए, पाटलिया पुत्र गए, मगध सबसे इंपॉर्टेंट अंपायर था, सबसे पावरफुल अंपायर था, वहां पे गए और नंद से, धनानंद से डिस्प्यूट हुआ, वहां से वो बहुत ही बेइज्जत होके लौटे, और उसके बाद उन्होंने अपनी खोज स्टार्ट कर दी। अब वो खोज इतनी आसान नहीं थी, एक पूरे के पूरे साम्राज्य को हिलाना चैलेंज तो दे आए थे भैया, फुलफिल कौन करेगा। उन्होंने फिर एक चीज देखी कि एक लड़का है जबरदस्त तरीके से एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसको रूल कर रहा है, ये गेम खेल रहा था। तो चाणक्य को लगा यार ये सही लड़का है, ये कौन है, पता किया, चंद्रगुप्त मौर्य नाम था उनका, वो भी लो कम्युनिटी के थे उस समय, लेकिन बहुत ही बहादुर, बहुत ही जबरदस्त इंसान थे। और आप देख सकते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बोला कि मैं इसको राजा बना सकता हूं क्योंकि इसमें वो सारे गुण हैं, एक लो कम्युनिटी के थे तो एक ब्राह्मण ये बोल रहा है कि मैं इसको राजा बनाऊंगा, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि भारत जो है लेटर वैदिक पीरियड में, बार बार इसीलिए कोट अनकोट बोल रहा हूं जो कि बहुत कबाड़ा कर चुका है, ठीक है, लेकिन चाणक्य ने ये बोला कि ये इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो चंद्रगुप्त से मिले, चाणक्य का उस समय बहुत ज्यादा नाम था, चाणक्य के कदमों में गिरे वो, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य जो है वो स्वीकार कर लिया। अब चाणक्य उनको साथ में लेगा और वहां से उनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई। तक्षशिला में थे तो पूरे उस एरिया में इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग, इनकी पूरी राजनीति कि किस तरह से राज को आपको गवर्न करना है वहां पे, मीनवाइल ये पूरा अपना अर्थशास्त्र भी, अपना लिटरेरी वर्क भी इनका जारी था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ग्रूम करने लगे चंद्रगुप्त मौर्य को। और ऐसा ही ऐसा बोला भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक टाइम पे अलेक्जेंडर से भी मिले थे और अलेक्जेंडर से काफी डिस्प्यूट हुई थी, फिर चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बहादुरी से अलेक्जेंडर को चकमा दे के, मतलब चकमा देने में कामयाब हो गए थे, ठीक है। तो अब चंद्रगुप्त, तो अब कौटिल्य का ये मानना था कि एक बहुत बड़े साम्राज्य से हमको टक्कर लेनी है, नंद साम्राज्य इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो पहला जब इन्वेजन करते हैं, देखिए क्या था कि अलेक्जेंडर तो वापस लौट गया था इन्वेट करके, ठीक है। अलेक्जेंडर की जब मैंने बायोग्राफी का रिव्यू किया था तो उसमें ऑलरेडी चीजें मैंने समझाई, आप देख लीजिएगा, अलेक्जेंडर तो इन्वेट करके बाहर निकल गए थे, अब अपने ग्रीक जनरल्स को छोड़ गए थे, उन्होंने पूरा पंजाब और वो सब फ्रंटियर्स पूरा थोड़ा सा ऑक्यूपाई कर लिया था, वहां पे डिस्प्यूट चल रही थी, अब वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। कौटिल्य ने ये बोला चंद्रगुप्त मौर्य से कि हमारे पास बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि साम्राज्य को हिला दे। चंद्रगुप्त मौर्य निकल रहा है, कौटिल्य ये मानते थे कि हमको इन्वेड नहीं करना है, हमको मित्र देश से दोस्ती रखनी है। सोच सकते हैं आप उस समय डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वो बात कर रहे थे, हमको उससे दोस्ती रखनी है और इन्वेजन नहीं चाहिए हमको, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब हम सब कुछ यूनाइट कर दें। तो वो ये बोलते हैं कि अब हम दोस्ती करना शुरू करते हैं, जितने भी राज्य बिखरे हुए हैं, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, साम दाम दंड भेद, सबको यूनाइट करो। पहला इन्वेजन फेल हो जाता है,
मगध पे पहला इन्वेजन हार जाते हैं, नंद जो धनानंद है वो इनको हराने के कामयाब हो जाते हैं। अब क्या होता है, कौटिल्य अपना दिमाग चलाते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जब मैं बायोग्राफी को रिव्यू करूंगा, उनकी लाइफ को देखेंगे, तब मैं पूरे के पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि सब कुछ पैरेलली चल रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से और भी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कि एक्चुअली हुआ क्या था। अभी हम अपनी कहानी जो है वो सिर्फ कौटिल्य तक ही, चाणक्य तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है। तो चाणक्य अपना दिमाग लगाते हैं, वो बोलते हैं कि देखो अभी तुम मगध पे मत जाओ, ठीक है, पावरफुल अंपायर है, अभी हम उतने ताकतवर नहीं है, हमको क्या करना है, अभी वहां से हटके जहां पे ये सिविल वॉर हो सकता है और जहां हमको एसोसिएट्स मिल जाए वहां पे हमला कर देते हैं। तो ये पूरा नॉर्थ वेस्ट पंजाब उधर पे पूरा वो जीतते गए, ठीक है, नॉर्थ एरिया में उन्होंने अटैक किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया अपनी आर्मी के साथ और वहां पे वो जीते और एलाइज बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के अच्छे खासे एलाइज हो गए, ठीक है, इसमें परवा तक जो कि माउंटेन का किंग था उनसे भी इन्होंने हेल्प ली थी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ जीता था उन्होंने, ठीक है, और बाद में परवा तक को भी मरवा दिया था और फिर सोल रूलर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले तो जहां पे ग्रीस का साम्राज्य जनरल छोड़ के गए थे वहां पे हराया, ठीक है, सबको यूनाइट किया और फिर यूनाइट करके नंदों पे हमला किया, धनानंद की भयंकर तरीके से हार हुई, ग्रीक्स को भी बाहर खदेड़ने में सफल हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य सोल रूलर बन गए भारत के। अब उन्होंने फिर यूनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, एक के बाद एक महाजनपद को तोड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिर ये महाजनपद पूरे के पूरे में एक भारत में यूनाइट हो गए और मैप मैंने ऑलरेडी दिखाया था। तो इस तरह से जो रिपब्लिक स्टेट्स थी वो सब इनके अंदर आ गई और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फेडरल इसको बोलेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेसिकली जो आज भी है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, वो एस्टैब्लिश करने में कौटिल्य कामयाब हो गए, ठीक है। तो ये चीज थी, लेकिन ये स्ट्रगल इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी स्टोरी है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज्यादा भूखे थे भाई, युद्ध लड़ते लड़ते जब वो एस्केप किए, क्योंकि पहले इन्वेजन में तो उनकी हार हुई थी, तो जब वो एस्केप किए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बिल्कुल खाना नहीं मिला था, तो एक इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा खाना खा के आया था, तो चाणक्य ने उनका पेट काट के चंद्रगुप्त मौर्य को खाना खिलाया था। तो काफी अच्छी स्टोरीज हैं, ठीक है, मौर्यन साम्राज्य की, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच डायलॉग जो है वो जबरदस्त है, ठीक है, और ये डिस्क्राइब्स भी होते हैं। तो ये चीज है, फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ कौटिल्य अपना एम्पायर और बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब हो गए, जिस साम्राज्य ने एक सबसे महान इंसान और सबसे महान राजा को जन्म दिया, वो था सम्राट अशोक। कौटिल्य पीएम बने रहे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार ने फिर अब वहां पे स्टोरी अलग होगी कि किस तरह से एक कंस्पिरेसी करके चाणक्य को बिल्कुल बाहर किया गया और वहां पे फिर उनको मार दिया गया, वो हम देखेंगे, हालांकि उनकी डेथ पे भी काफी डाउट्स हैं, ठीक है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे चंद्रगुप्त कौटिल्य के कि किस तरह से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताया। कौटिल्य बोलते थे कि हमेशा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने चाहिए, बहुत ही अच्छे से ऑडिटिंग होनी चाहिए, एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, डिफरेंट डिविजन्स होना चाहिए मिनिस्टर्स का, और पूरी उसकी एक गाइडलाइन तैयार करके गए थे, ठीक है, तो वो चीज हम जानेंगे बहुत ही अच्छे से। तो सारे की सारी चीज अगले पार्ट में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, चाणक्य की नीति और अर्थशास्त्र के बारे में भी जानेंगे, डेथ और फर्दर मौर्यन एम्पायर के बारे में जानेंगे। एक क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, आज तक ही वैलिड हैं, सिर्फ लास्ट डेट है आज, तो जरूर इन नंबर्स पे कॉल करिए या फिर वेबसाइट विजिट करिए ज्यादा जानकारी के लिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, शेयर जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।